ये देखिए, इस समय टकराव की स्थिति ना बने इसलिए दोनों साइड सुरक्षा बढ़ती जा रही है। उस पब्लिक है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगा कि यहां पब्लिक ही पब्लिक है। और दूसरी साइड ये देखिए, ये पुलिस है। और ये देखिए आंसू गैस के यहां गोले के लिए भी तैयारी है, यहां पुलिस अलर्ट है, यहां पे रैपिड एक्शन फोर्स और ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं वो सभी यहां मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं वेलकम इलाके में। यह उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आता है और आप देखिए यह श्री राम मंदिर है। यह श्री राम मंदिर जहां से आज एक कॉल थी कि यहां पे इकट्ठे होके जो दिल्ली में, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जमुना पार में जो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, किसी भी चौक चौराहे पे चले ये मर्डर, लूटपाट, फायरिंग, कहीं पे भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। और उसका कारण है कि पुलिस की नाकामी। ये आरोप है इन लोगों के द्वारा जो आज हर लोग, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो या किसी भी समुदाय से हो, यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। और उनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पे आज हम डीसीपी ऑफिस का घेराव करेंगे और उसके बाद हम उनसे ये आश्वासन लेंगे कि जो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, जो बेकार हो चुकी है, आपकी पुलिस जो काम नहीं कर रही सही से, उनको आप एक्टिव करिए। ये देखिए एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। ये चारों साइड इस समय वो लोग हैं जो यहाँ आ चुके हैं। गौ हत्या हो, लव जिहाद हो, लूटमार हो, फायरिंग हो, मर्डर हो, ऐसी कोई भी बात अगर आप देखेंगे तो आम है ये हर चौक चौराहे पे, हर गली मोहल्ले में। आखिर क्यों? देखिए जैसे ही यहाँ पे ये प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे तो उसके बाद से ही यहाँ पे लगातार लोगों का, जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो एक्टिव हो गया। यहाँ पुलिसकर्मी एक्टिव हो गए ताकि डीसीपी ऑफिस तक इनको रोका जाए, ये जाना सके। पुलिस चारों साइड से इनको घेर के चल रही है ताकि ये लोग डीसीपी ऑफिस ना पहुंच पाए। मगर पब्लिक है और जहां तक आपकी नजर जाएगी इस समय ये प्रोटेस्ट के लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इनका साफ कहना है कि पीछे नहीं हटेंगे, पर अगली बार तो, अगर इस बार ये काम नहीं होता तो अगली बार आर पार होगा। पूरा यहां तक, जहां तक आपको दिखाई देगा, यह पूरा एरिया लोगों से, प्रदर्शनकारियों से, उन लोगों से जो इस एरिया के हैं, वो सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई ये ना कहे कि ये किसी कार्यकर्ता है कहीं के, मगर देखिए लोकल लोग हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, बड़ी संख्या में पीछे तक लोग हैं और जहां तक आप किधर जाएंगे अभी लोग आ ही रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस इस समय बैरिकेडिंग करके यहाँ पे खड़ी है और यहाँ सिर्फ पब्लिक को इस साइड रोक लिया है और चारों साइड इस समय प्रदर्शनकारी हैं। ये देखिए महिलाओं का जोश देखिए। ये देखिए इस समय टकराव की स्थिति ना बने इसलिए दोनों साइड सुरक्षा बढ़ती जा रही है। उस पब्लिक है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखाई देगा कि यहां पब्लिक ही पब्लिक है। और दूसरी साइड ये देखिए, ये पुलिस है। और ये देखिए आंसू गैस के यहां गोले के लिए भी तैयारी है, यहां पुलिस अलर्ट है,
यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आखिर कहीं ना कहीं यह तो है कि इस प्रोटेस्ट से कुछ बदलेगा, मगर हालात देखिए किस तरीके से है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस समय दोनों साइड से आपको यह दृश्य दिखाई दे रहा होगा, लगातार यहाँ पे यहाँ ड्रोन से ये देखा जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, और दोनों साइड इस समय इस साइड पुलिस बैरिकेडिंग है, उस साइड पब्लिक, और लगातार नारेबाजी और सुरक्षा की बात दोनों साइड से हो रही है। यह बैरिकेडिंग है जिसके आगे आने नहीं दिया जा रहा सुरक्षा के कारणों से, और इस समय उस साइड पब्लिक है। गोल्डी जी, लगातार आप ऐसे मुद्दों पे हमलावर रहते हैं, मगर होता तो कुछ नहीं है, पुलिस की नाकामी है जो इस तरह के हालात हो चुके हैं। देखिए दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिहादी मानसिकता के जिस प्रकार से हौसले बुलंद है, और जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता दिल्ली के अंदर पनप रही है, जो समय समय पर हिंदुओं को टारगेट करती है, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी गोकशी के माध्यम से, कभी धर्मांतरण के माध्यम से, और अब तो इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि हर कुछ ना कुछ दिनों के बाद हिंदू हत्याएं हो रही हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुलिस का यदि बात की जाए तो दिल्ली पुलिस को माना जाता है, और सारा कुछ दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। समैक, गांजा, नशे का व्यापार, हिंदू हत्या, लव जिहाद, गोकशी, इस सब पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, और पुलिस मुझे लगता है ऐसे लाचार हो गई है कि जैसे पुलिस को कुछ मालूम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर आए दिन हिंदू हत्याएं हो रही हैं, हिंदू बहन के साथ लव जिहाद और हत्या की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, दिल्ली पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा, वरना बजरंग दल एक कड़ा एक्शन लेगा, जो भी पुलिस को प्रशासन को कभी भी दिक्कत आ सकती है। डीसीपी ऑफिस का घेराव आज आप लोग कर रहे हैं, क्या इससे कुछ बदलने वाला है? देखिए तो पुलिस को सोचना पड़ेगा ना, हम कानून को मानते हैं, हम देश को मानते हैं, देश संविधान को मानते हैं, हम प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग को, लेकिन पुलिस प्रदर्शन का को सीरियस ना लेकर कोई कार्रवाई इन पे करती नहीं है, तभी इन अपराधियों के हौसले बुलंद है। लगा जी आप क्या कहेंगे, आज घेराव हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है किसी डीसीपी ऑफिस का घेराव, ऐसा क्यों? उत्तर पूर्वी जिले की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, आए दिन मर्डर की घटनाएं होती है। अभी आपने न्यूज़पेपरों के माध्यम से देखा भी होगा कि पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर लगभग 20 हत्याएं यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है भ्रष्टाचार में ग्रस्त है, और इसीलिए सारी कानून व्यवस्था चौपट है। आज घेराव होगा? जी बिल्कुल होगा जी। लगता है कुछ सोल्यूशन निकलेगा? जी घेराव करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर जंतर मंतर का हम रुख करेंगे, अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। मतलब लड़ाई आर पार होगी इस बार? जी बिल्कुल। इससे बदलाव ये होगा कि जो अधिकारी कान में रुई मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं, या तो बदले जाएंगे या हम करेंगे। इससे बदले जाएंगे या काम करेंगे लगता है आपको? बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे तो इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। मतलब आप लोग आर पार करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे, आज नहीं तो कल करें होगा, ये क्या मतलब हुआ? प्रशासन हमारे लिए या हम प्रशासन के लिए? प्रशासन ने तो हमें चारा बनाकर डाल रखा है, हमारा कोई हमारी कोई सुनने वाला होता है उस डीसीपी को चुप करा दिया जाता है। यानी तो सुनता है उस पिछले 3 दिन से सुबोध गोस्वामी जो डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, उनका मुंह चुप करा रखा, क्यों करा रखा है? यानी वो काम करते थे उनको शांति से बिठा दिया जाता है, उन्हें शांति से बिठा दिया जाता है। वामपंथी सोच से प्रशासन नहीं चलेगा, प्रशासन को सबके बारे में सोचना होगा, चाहे प्रशासन में कोई अधिकारी हो। आप अपनी सोच अपने घर में चला सकते हैं, अपने समाज में चला सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रशासन संभालने के लिए बैठे हैं तो आपको सबके लिए बराबर सोचना पड़ेगा। यानी आपका कहना यह है कि आपके लिए हर धर्म, हर व्यक्ति समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक्शन योगी तरह होना चाहिए। आपकी आपकी सोच आप अपने घर पे रखिए, प्रशासन में सार्वजनिक सोच लाइए। अगर बदलाव नहीं होगा तो डीसीपी साहब बदलेंगे, उनको चाहिए अगर उनके बस का नहीं है कुछ करना तो पुलिस की नौकरी छोड़ दें और कोई दुकान खोलने परचूनी के वहां जाके काम करें। तो
उनको भी तो देना पड़ेगा पुलिस वालों को। क्या चीज देना पड़ेगा? उनको भी हफ्ता महीना देना पड़ेगा। नहीं तो हफ्ता देंगे देंगे, जो उन्होंने रूल बनाया वो होगा। अगर वो चर्च देखेंगे तो वो करेंगे। भैया पुलिस का काम है समाज के अंदर मामूल ठीक करना, चरस बिकवाना नहीं, गांजा बिकवाना नहीं, जुआ करवाना नहीं, गौ कुछ करवाना नहीं, हत्या करवाना नहीं। ये अगर हो रही है तो इसका अर्थ है इसमें पुलिस मिली हुई है। पुलिस को चाहिए किसी भी हालत में इसको रोके। अगर नहीं रोक पा रहे हैं पुलिस वाले तो अपना ऊपर बोले कमिश्नर साहब से कि भाई हमारा बसका नहीं है, आप यहाँ से हमारा ट्रांसफर कर दो, हम और भी चले जाएंगे, काम खत्म हो गया। नहीं आर पर होना चाहिए भाई, कब तक लोग मरते रहेंगे, कब तक लोग मरते रहेंगे, परिवार बर्बाद हो रहे हैं भाई साहब, चरस पी करके गांजा पी करके लोग परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक परिवार से अगर एक बच्ची व्यक्ति शराब गांजे पी के चरस पी के खराब हो गया, उसके बच्चे पूरा परिवार उसके फैमिली पूरी खराब हो जाती है। क्या हमें इस पर रोक लेना चाहिए? ये काम पुलिस का नहीं है। अभी जो मर्डर हुआ 5 पुश्ते पर, वो बंदा क्या कर रहा था? वो उनको रोक रहा था, उसका मर्डर कर दिया, पीछे से आया और बंदे को मार दिया। आज क्या है, आप कुछ करने तैयार नहीं है। मेरा तो मानना है कि प्रशासन को जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए, क्योंकि वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। पहली बार हो रहा है कि किसी डीसीपी का, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में घेराव हो रहा है। घेराव दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में, ये कारण है कि क्यों हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब का, क्योंकि पूरी दिल्ली में अमन चैन चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा, नॉर्थ ईस्ट में ये क्राइम। आप इतने क्षेत्र में घूम के देखिए, आपने भी, आपके भी संज्ञान में आता रहा होगा कि एक महीने में 8-10 मर्डर, एक महीने में 8-10 मर्डर, पीछे साल भर का आंकड़ा उठा के देखें तो कितना कितने बच्चों का मर्डर हो चुका है। तो और रहा सवाल ये नशे पत्ती का, गली गली कूचे कूचे में नशा पत्ती चल रहा है, क्या संज्ञान में नहीं है डीसीपी साहब के? है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। पुलिस महकमे को सारे जानकारी है, जानकारी होती है, हम लोग दिलाते हैं, हमारे जरिए से जानकारी होती है, जनता क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन उस पर संज्ञान लेना किसे चाहिए? उन्हें चाहिए, लेकिन उन्हें उन्होंने नहीं लिया आज तक। और देखिए क्या नाम, पूरी दिल्ली सही है, नॉर्थ ईस्ट में ही होता है जो होता है। 2020 में नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़ा हुआ, क्राइम यहीं क्यों हुआ? वो सब झगड़ा जो हुआ उसमें हमने देखा, हम मोर्चरी से बॉडियां उठा उठा के लाए हैं, किस तरीके से वहां से उन बच्चों की बॉडी, हर समुदाय की बॉडियां देखी, 22-22, 20-20 साल के बच्चों की। तो ये अभी पीछे संजय सेन साहब थे डीसीपी, उन्होंने आते ही सख्त हिदायत दी थी कि भाई मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। यंगिश थे, बहुत अच्छे थे, उनसे पहले ठाकुर साहब थे, उन्होंने उनके टाइम में और आज क्या नाम संजय सेन साहब के टाइम में इस पे रोक लगाई गई। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, अगर ये कहते हैं कि खत्म नहीं हो सकता क्राइम, हम उस पे अंकुश तो लगा सकते हैं, हमें वो अंकुश तो लगाना चाहिए, उन्होंने लगाया, आज वो देखिए कहाँ है संजय सेन साहब। यानी डीसीपी साहब का फेलियर है ये? यस, फेलियर ये है भाई, उनके उनके वर्क टाइम में ये क्यों इतना इसी मर्डर बढ़ रहे हैं, है गली गली कूचे में मर्डर हो रहे हैं, गली गली फेलियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये डीसीपी साहब आए हैं तब से हमारे उत्तरी पूर्वी दिल्ली का हाल बहुत बेहाल है, और प्रशासन हिंदू समाज का सुन के राजी नहीं है, जिससे हिंदू समाज बहुत बौखलाया हुआ है, जिससे हिंदू समाज बहुत भयभीत है। होगा क्या, क्योंकि ये तो आप लोग पटस करके चले जाएंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे, होगा कुछ समस्या का समाधान, सुधरेगा? नहीं, समस्या का समाधान ये है कि भाई ये डीसीपी साहब हटाए जाएंगे, कोई और यहाँ चुन करके आएगा, जब कोई और नया डीसीपी आएगा यहाँ तरीके से काम करेगा, हम लोग उनसे बैठ के बात करेंगे। और आज भी हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उनके पास इसलिए जा रहे हैं कि उनके समक्ष हम लोग अपनी बात को बहुत तरीके से रखेंगे, ताकि जो है आए दिन जो हमारे क्षेत्र के अंदर ये दुनिया भर के चाकूबाजी, फोनबाजी, लड़कीबाजी, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, खिलवाड़, गऊ के साथ, मतलब ये बहुत सारी चीज़ हो रही है मंदिरों के साथ, तो इस पे जो है वो संज्ञान लें और उस पे काम करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम तो कमिश्नर साहब से बोलेंगे कि भाई इनको कहीं और हटा के यहाँ किसी नए व्यक्ति का पुनः निर्माण किया जाए जो अच्छे। यहाँ से इनको हटाने की डिमांड है इस बार? बिल्कुल, हटाने की डिमांड है। प्रशासन का फेलियर इतना है कि दुर्जन शक्ति डर नहीं रही है और सज्जन शक्ति आकर कंप्लेन नहीं करती इनसे। इन्हें पता है सज्जन शक्ति डरती इसलिए है कि हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई जाएंगे पहले हमें ही पकड़ेंगे। इतना फेलियर है, गऊकसी हो रही है, नशे का व्यापार खुल्लम खुल्ला होता है। जब गली गली वालों को पता है कि यहाँ पे नशे का व्यापार होता है तो क्या इनको नहीं पता? खूब पता है, लेकिन पकड़ते नहीं है ये लोग। लव जिहाद में हमारी बहनें कितनी भगाई जा रही हैं, आपके सामने बहुत सारे आपने रिपोर्टिंग करी है बहुत सारी, और गऊ माताएं कितनी काटी जा रही हैं,
और हत्याएं तो अभी हमारे पहले साथियों ने जानकर आया भाई साहब, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ ऊपर प्रशासन कर लेगा। आज समाज बाहर निकला है कि हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता नभ के चांद सितारों से, पांचाली के चीरहरण पर जो चुपाए जाएंगे इतिहासों के पन्नों में वे सब कायर कहलाएंगे। चुप नहीं रहना है, सबको मैदान में आना है इस बार, यानी इस बार मैदान में आके बिल्कुल आर पार। या तो प्रशासन ठीक होगा, नहीं तो ये या तो यहाँ बदलाव हो या फिर इनका बदलाव हो, बदलाव होगा, बदलाव परिस्थिति की मांग है। पर हम ये को नहीं कह रहे कि ये फला व्यक्ति एरिया से आप आते हैं, वहाँ तो ऐसे मामले आए दिन होते हैं, आए दिन करवाए जा रहे हैं, उनको सहयोग दिया जा रहा है। अगर यदि एक किसी गलत आदमी दुर्जन आदमी को सजा दी जाए, प्रताड़ित किया जाए, उसके किए का फल मिले, तो ये जितनी भी कार्रवाई गलत हो रही है सारी रुक जाएंगी। अब एक छोटी सी बात बताइए, यदि आप घर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो वहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सिपाही सबको पता होता है पूरे पे, लेकिन लेकिन अगर यदि चरस इसमें हो रही है, मर्डर हो रहा है या उसकी कोई प्लानिंग हो रही है, आज तक एक आदमी को ढंग से नहीं बता सकते उसको उन्होंने सजा दिलाई हो। अगर यदि ये कहे कि मैं इनको पता नहीं है हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब फेलियर है, ये जानबूझ के काम नहीं कर रहे, गलत आदमियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब गलत को बढ़ावा देंगे तो उनका तो हर हाल में परिवर्तन होना ही चाहिए। लगता है सुरक्षित है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? बिल्कुल, मैं महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे में जा रही है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो 7 बजे के बाद ये सोचती है कि बाजार में निकले कि नहीं निकले, जब उनकी जब तक उनके बच्चियां घर तक नहीं घर नहीं आ जाती है तो उनकी सांसें अटकी रहती है कि हमारी बच्ची अच्छे सुरक्षित घर पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो महिला कितनी सुरक्षित है दिल्ली में आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं और जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर एक मुहिम जो चलाई जा रही है हिंदू महिलाओं को बहकाने की, भगाने की, मारने की, काटने की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है दिल्ली में। क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आम आदमी जनता जनार्दन अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हम सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इनके लिए नाराबाजी करना पड़ेगा, तभी ये कुछ बदलेगा, वरना कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है ना कि लोग ही बाहर नहीं आते आज। आप मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि देखिए मेरी बात सुनिए, कब तक आप सरकार नेता क्यों इनके ऊपर डिपेंड है? आप खुद क्यों नहीं आवाज उठाते हो? आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि कोई नेता हमें आगे बचाए? क्यों इंतजार करते? कोई नेता नहीं आया इसमें, क्यों नहीं नेता? सुनो, क्योंकि आम जनता का कार्यक्रम है, नेताओं को नहीं है, जनता भी तो नेता चुनती है, नेता क्यों नहीं है इसमें? सुनिए, हम इस जो प्रदर्शन है आम जनता का प्रदर्शन है, इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए इसमें कोई नेता नहीं है, आम लोग पीड़ित लोग, आम जनता, यहाँ के लोग जो है प्रमुख लोग हैं वो शामिल है इसमें, इसलिए नेता वाली कोई बात ही नहीं है। पर कैसे समाधान होगा आखिर? बच्चे और परिवार और ये एरिया सुरक्षित कैसे होगा? दंगे भी यही, लूटपाट भी यही, मर्डर भी यही, फायरिंग भी यही, आखिर क्यों? क्योंकि ये आपको पता है सरकार आपकी चल रही थी यहाँ पे दिल्ली में, अभी आपका ही राज है, तो आप सरकार जब तक नहीं हटेगी, केजरीवाल जी की सरकार नहीं हटेगी, सीरियसली आप लोगों की डिमांड है योगी चाहिए, योगी जी चाहिए, योगी जी जब तक नहीं आएंगे दिल्ली का सुधार कभी भी नहीं हो सकता। मगर योगी तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ जाएंगे? योगी जी को तो आना ही पड़ेगा दिल्ली में, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए और तभी यहाँ की पब्लिक और नारी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ के तो जो कलाकार हैं अभिनेता हैं वो भी लव जिहाद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा ने दिल्ली सरकार ने एक निर्भया के जो बलात्कार था जब वो बालिग था या नहीं ना बालिग था, लेकिन उसे क्राइम तो किया था ना, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करने का, उसको सिलाई मशीन देना 10,000 रुपए। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जो सरकार है, पुलिस पर दबाव बनाती है उनको बचाने के लिए, जबकि 99% क्राइम उस कम्युनिटी के लोग करते हैं और दिल्ली सरकार उनको बचाती है। आपने दिल्ली दंगों में भी देखा होगा, कम्युनिटी उन्हीं को ही दिल्ली सरकार करती है, दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव, दिल्ली सरकार दबाव बनाती है दिल्ली पुलिस के ऊपर। कैसे होगा समाधान? जब तक जनता नहीं जागरूक होगी और वो अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी तब तक इसका सुधार नहीं हो सकता। और जनता तो पैसे कमा रही है, नौकरी कर रही है, घर में बैठी है, संडे मना रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब हमें ही उनको एक एक करके जागरूक करना पड़ेगा। और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा, शुरुआत तो एक से ही होगी ना, शुरुआत तो एक से होगी, जब शुरुआत हो जाएगी तो आगे आगे धीरे हम सभी लोग साथ में होंगे। अगर इसके बाद भी प्रशासन नहीं सुधरता तो फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारा काम जनमानस का काम तो केवल विरोध प्रदर्शन करना है, इसके अलावा हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। जिस प्रकार घटनाएं बढ़ रही हैं पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए, आप देखेंगे अगर घटनाएं हुई हैं 100 तो FIR दर्ज हुई है 2, ये इनका एक तरीका है करने का। और
कई सारी घटनाएं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, बाहरी बाहर जाकर उनको कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। लव जात की कितनी घटनाएं जिसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, परिवार परेशान रहते हैं, परिवार हमसे मिलते हैं, फिर हम कुछ जाकर ऐसी विरोध प्रदर्शन करते हैं। और हमारा देखिए, जैसे आपने सवाल एक पूछा, हमारा केवल कार्य है विरोध करना, और हम करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे, और कानून हाथ में लेना हमारा कोई काम नहीं। और मैं किसी सबसे अपील करता हूँ कि कोई कानून हाथ में ना ले, और हम हमारे यही तरीका रहेगा। बचेगा ऐसे इस क्षेत्र का जो धर्म का है, यहाँ के लोगों का ईमान है, जो यहाँ तरीका है, सुशासन है, वो होगा इस बार या यही हालत चलते रहेंगे? जी, हम तो पहले से देखते आ रहे हैं, बहुत समय बाद ये यहाँ पे डीसीपी ऑफिस में हम आए हैं। नहीं तो हमारे क्षेत्र के अंदर वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आप देखो, रोज रोज किसी के मोबाइल चल रहे हैं। पुलिस का कोई डर नहीं है, डर ये है पकड़े गए तो पैसे देके छूट जाएंगे, पकड़े दिए तो पैसे देके छूट जाएंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। देखिए, आज जो ये घेराव हम कर रहे हैं, ये आज हमारा सिर्फ आगाज है, अंजाम तो अभी बाकी है। अभी तो अंजाम बाद में होगा जो होगा, ये तो आगाज है। और चेतावनी है प्रशासन को कि या तो कार्रवाई करनी शुरू कर दे, नहीं तो इससे भी बुरा अंजाम आगे हो सकता है। यानी चेतावनी है, बिल्कुल चेतावनी है। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, डीसीपी साहब को देखना चाहिए, इसको गौर करना चाहिए। जगह जगह शराब की दुकान खुली हुई है, जगह जगह रात को स्मैक बिक्री, जगह जगह मंदिर पे, और ये देखना चाहिए, कार्रवाई थोड़ी सख्त करें। संजय सैनी साहब भी थे डीसीपी साहब, उनके नेतृत्व में भी काम होते थे, बढ़िया होते थे, और सारे एसएचओ सारी बात मानते थे, मगर आपके जो एसएचओ है सारी बात सुनते नहीं है। और कभी कभार कोई रात रात में बात हो जाए तो फोन भी नहीं उठाते, इनको रात को फोन करो तो फोन भी इनका बिजी जाता है, स्विच ऑफ जाता है। इनको बोलना चाहिए कि इनको सारे एसएचओ को टाइट करें और बढ़िया एरिया में सख्ती बरती जाए, सख्ती से काम होना।